से 10 दिन के अंदर अंदर काम हो जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया, अभी एक बवाल चीज दिखाएंगे टाटा वाली। फिर आया वो बिल्डिंग हो रही है, हमारे तरफ काम करने वाला लोग। तो गाइस ये लोग सभी यहाँ काम करते हैं। हाँ, टोटल लोहा गाड़ी है पूरा। ये कौन से जमाने की है? ये बहुत पुरानी मॉडल है, 90 के टाइम में आती थी ना कुछ ऐसा। हाँ जी, तो वो टाइम में गाइस बहुत एडवांस थी, तो इसको एक बार फिर से रिस्टोर करने वाले है। और ये देखो कई जगह से सड़ी है, पर इतना भी गाइस वो टाइम में बनाई पर चीज चक्का समझे ना। हाँ, पूरा इसका इसे सीरीज का अंदर का कुशन का सीटा का पूरा पेंट वेंट, और इसमें ऐसे 2 पॉइंट का कलर हो रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया डुअल कलर में, मतलब पूरा डेंट का काम हो गया है। हाँ, और सिंगल कोटिंग अभी ऐसे ऐसा ही अपन सब केसर लगाया है। इसका सामान नहीं मिल रहा था तो सामान अपन बुलाया अभी नागपुर से। हाँ, सामान आ रही है इसका, थोड़ा जो सामान है मुश्किल से मिलता है ना। हाँ, बहुत मुश्किल से है। तो गाइस ये देखिए टाटा CRE की बैजिंग, टाटा इंजीनियरिंग, और इसका ये अभी ये इधर एक थार, अभी ऐसे ये थार भी बन रही है। तो नियाज भाई इसका इंजन निकाल के रखा है, इसको इसका थोड़ा इंजन, हाँ इंजन का काम हो रही है। हाँ, तो टाइम लगेगा गाइस इसको बनने में, तो पूरी बन जाएंगी तो फिर एक बार मैं आपको दिखा दूंगा। और वो दोनों गाड़ियाँ फियाट एनी और ये टाटा सियारा, तो 10 से 12 दिन में अब हो जाएगी कम्प्लीट। हाँ, 10-12 दिन में फिर नया वीडियो। तो गाइस ये गाड़ी जो दिख रही है बहुत ही बड़ी है, और नियाज भाई बिल्कुल अलग ही दिख रहा है, एकदम नेक्स्ट लेवल बवाल चीज दिख रही है मेरे को तो। बहुत अजीबो गरीब गाड़ी है। हाँ, और ये 8 से 10 दिन में ऐसे तैयार हो जाएगी। तो गाइस ये बन जाएंगी तो मैं इसका वीडियो दे दूंगा, तब तक आप चैनल को बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए। ऐसे गाड़ियां बनाने में बहुत टाइम लग जाता है।